प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुरू कर एक नई पहल शुरू की है। परीक्षा पर चर्चा 2023 के माध्यम से आगामी बोर्ड परीक्षा के डर और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं की परीक्षा से संबंधित सवालों का जवाब देकर विद्यार्थियों की तमाम समस्याओं का समाधान किया है। डिजिटल माध्यम से परीक्षा पर चर्चा 2023 में पीएम मोदी ने ऑनलाइन आकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत कर अभिभावकों को संदेश दिया कि बच्चों के साथ ज्यादा टोकाटाकी करने से बचें। मिल्टन पब्लिक स्कूल में आयोजित परीक्षा पर चर्चा ऑनलाइन कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थियों ने शामिल होकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से बहुत सी पॉजिटिव बातें सीखी। नमस्कार, मेरा नाम किंजल चौहान है, मैं मिल्टन पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में, मिल्टन पब्लिक स्कूल में, माननीय मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने हमें परीक्षा पर चर्चा पर काफी सारी बातें बताई। हमें बताया कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना चाहिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए और दूसरी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, किसी के भी बातें हमें नहीं प्रभावित करनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और ठीक से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उससे हमारे स्कूल के काफी सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा अच्छे से आगे ध्यान देने के लिए भी सोच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनालिका सिंह है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बोर्ड की परीक्षा के लिए इतनी ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, जिसमें उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें कैसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें टाइम टेबल से करना चाहिए, रोज अपना एक नया टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे हमें उसको फॉलो करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, और हमें कैसे टाइम उसे अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और हमें कैसे दूसरों की उत्तेजना करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम समीक्षा चार है, मैं मिल्टन पब्लिक स्कूल से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मुझे आज ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर इतनी चिंतित हैं। वो हमें अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमें कैसे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और हमें अपनी ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए इतने सक्रिय हैं। सोशल मीडिया हमें बहुत तरीकों से डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया पे हम सोचते हैं कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें काफी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो हम मोस्टली अपना टाइम उसी में स्पेंड करने लग जाते हैं। मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी आगरा में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सांसद आगरा, न्याय एवं कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल, एमएलसी विजय सिवरे, भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने शामिल होकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की महत्ता को समझा और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कर एक नेक पहल की है। निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का निजी तौर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि परीक्षाओं की पूर्व संध्या पर परीक्षा पर चर्चा 2023 करके और जिसमें देश भर के छात्रों को जोड़ करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको तनाव से मुक्त करने का काम किया है और परीक्षा में कैसे सफल हों उस पर टिप्स दिए। केवल परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया है, वास्तविक जीवन में जो तमाम परीक्षाएं आएंगी निजी जीवन में उससे भी कैसे निकलें उस पर भी चर्चा की है। मुझे लगता है कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बच्चों के चाचा थे, लेकिन इस प्रकार के संवाद नहीं किए गए थे। मैं आज ये महसूस करता हूँ कि बच्चों के स्टडी रूम में, जैसे मेरे फादर के समय गांधी जी रहते थे, मेरे समय भी कुछ नेता रहे थे, लेकिन बीच के कालखंड में छात्रों के स्टडी रूम में देश के किसी नेता का फोटो नहीं होता था। हो सकता है सलमान खान का रहा हो, सचिन तेंदुलकर का रहा हो, लेकिन किसी नेता का नहीं। आज हमें खुशी की बात है कि एपीजी अब्दुल कलाम साहब के बाद अगर किसी ने भी इस देश के छात्रों को प्रभावित किया है या उनसे इंटरेक्शन किया है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। एक मछली दे देंगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा देंगे तो जिंदगी भर खा सकें। केवल बच्चों को कॉपी किताब या ये देना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करें वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्भीक होकर के देश भर के बच्चे अपने प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन कर रहे हैं और यही डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को प्रभावित कर सकें या उनको जीवन के तमाम सोपानों के
प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो किसी न किसी को आज प्रेरणा जरूर मिलेगी, किसी न किसी को नहीं मिलेगी, करोड़ों लोगों को मिलेगी और डिप्रेशन से भी वो बाहर आएंगे जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हम क्यों ना डिजिटल फास्टिंग रखें, आज सब बात उनको पता है। आज उन्होंने ये कहा है कि जो स्मार्टफोन पर हैं स्क्रीन वाले वो 6 घंटे रहते हैं इस पर। तो मैं खुद अपने को शामिल करते हुए कह रहा हूं कि जब से ये व्हाट्सएप और ये आया है कम से कम 1.5 घंटे नींद मेरी अपनी खुद कम हो गई है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हम डिजिटल फास्टिंग भी, उन्होंने आज गार्जियंस को भी नसीहत दी है कि बहुत ज़्यादा टोका टकी से आप बाहर निकलें। उन्होंने मार्क्स के ऊपर भी बहुत दिया, बोर्ड की एग्जाम के फोबिया को भी से दूर करने का प्रयास किया। मैं मिल्टन स्कूल के संचालक राहुल लाल जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि यहाँ आयोजन करके उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। देश की आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री भवन बने, लेकिन 2014 से उन्होंने प्रारंभ करा मन की बात, हर महीने की इतवार की उन्होंने मन की बात का प्रारंभ करा। ऐसी उन्होंने परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को मोटिवेट करना, जब परीक्षा आती है उससे पहले बच्चों को छात्रा और छात्रा के अंदर मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। प्रश्न करना, प्रश्न का उत्तर देना और सकारात्मक उत्तर देना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान इस देश के अंदर बच्चों के अंदर दिया है। मुझे लगता है इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से भले ही पीएम मोदी विद्यार्थियों से जुड़कर उनकी बोर्ड परीक्षा की समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से संबंधित सवालों जैसे विपक्षों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं से कैसे सकारात्मक रहते हैं का जवाब देते ज्यादा ऊर्जावान दिखाई दिए। मानो परीक्षा पर चर्चा आगामी आम चुनाव 2023 की रिहर्सल की जा रही हो। मिल्टन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्राची राज ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी जी ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा का डर खत्म करने के लिए एक अच्छी पहल की है। सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मिल्टन पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में माननीय मोदी जी से परीक्षा पर चर्चा पर लाइव इंटरेक्शन का आज हमारे बच्चों को और हमको ये सौभाग्य कि आज ये मौका मिला है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के करियर के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि ये सेशन माननीय मोदी जी से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आने वाली परीक्षा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में जो भी डाउट्स होते हैं, जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाल के हाल सॉल्व भी हो रहे हैं। हाल के हाल क्वेश्चन के उत्तर मिलके कई बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, कई उनके डाउट्स हैं, कई जगह वो जैसे डिमोरलाइज हो जाते हैं या वो अपने टाइम को शेड्यूल बनाने के या कई कई वेरियस जो उनके दिमाग में फेयर आता है वो सब डाउट उनके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं और सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो परीक्षा पर चर्चा जो हम लोगों के लिए आज हो रहा है और श्री एसपी सिंह सर बघेल जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा आगरा के लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने आज ये चुना है और इससे हम आने वाले परीक्षा में बच्चों को बहुत ही मतलब एक मार्गदर्शन होगा और जो भी उनकी डाउट्स है वो क्लियर हो गई एक और एक नई सोच, एक नया उनमें मोटिवेशन और एक नया जज्बा पैदा होगा। मुझे लग रहा है इस इंटरेक्शन को आज जो ये लोग फॉलो करेंगे तो उनके सारे आंसर्स को फॉलो करेंगे और इसी तरह से टाइम टेबल बना के जो भी मोदी जी ने मार्गदर्शन किया है उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित एक अच्छा ही रिजल्ट के सामने आएगा। मिल्टन पब्लिक स्कूल में आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2023 प्रधानमंत्री का ऑनलाइन कार्यक्रम राजनीति से ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। परीक्षा से ज्यादा मोदी जी से संबंधित ज्यादा सवाल कराए गए। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से अधिकांश वंचित नजर आ रहे हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।